यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। नारद जी तो समस्त तीर्थों में पाखंड और अधर्म देख करके श्री वृंदावन में प्रवेश करके आए, राधा रानी और गोविंद के नाम का गान करते हुए आए। वही श्री वृंदावन जहां के कदम वृक्ष की डाली पर राधा और कृष्ण ने झूला झूला है, ये वही वृंदावन है। श्री वृंदावन में प्रवेश किया, जिसमें प्रवेश करने के बाद सहज ही भक्ति की वृद्धि हो जाए उसको ही वृंदावन कहा जाता है। यमुना का किनारा, स्वच्छ पवित्र निर्मल श्री यमुना जी का जल, दिव्य कमल के फूल खिले हुए, महाराज शुष्क भृंग इनके ऊपर गुंजायमान हो रहे हैं। शुष्क भृंग भौरे को कहा जाता है, ध्यान रखना। द्विज कुलों की भीड़ चारों ओर वृक्षों पर लगी हुई है। द्विज कुल पक्षियों के झुंड को कहा जाता है। द्विज का अर्थ होता है पक्षी। संस्कृत भाषा में मनुष्यों को भी द्विज कहा जाता है, दांतों को भी द्विज कहा जाता है और पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। जिनका भी दो बार जन्म होता है उनको द्विज कहा जाता है। द्विज माने दूसरा। अब पक्षी का एक बार जन्म अंडे के रूप में होता है और दूसरा जन्म अंडे से निकल के होता है। दांत भी तो जीवन में दो बार आते हैं, एक बार जन्म हमारा मां के गर्भ से और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद, जनेऊ संस्कार होने के बाद। इसलिए संस्कृत जैसी दिव्य भाषा में इन तीनों को ही द्विज कहा जाता है। द्विज कुलों के झुंड चारों ओर वृक्षों पर बैठे हैं, शुष्क भृंग कमल के ऊपर गुंजायमान हो रहे हैं और देवर्षि नारद पवित्र ब्रजरज के ऊपर चलते हुए आए। दूर कदम वृक्ष की कतार देखी, महाराज नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि हे ऋषियों, मैंने दूर एक कदम वृक्ष के नीचे एक तरुणी स्त्री को बैठा हुआ देखा। यह तरुणी स्त्री रो रही है। उसके सामने मैंने दो वृद्ध पुरुषों को अचेत देखा पड़ा हुआ। अनेकों स्त्रियां मिलकर के उस तरुणी स्त्री की सेवा कर रही हैं। कोई पंखा जल रही है, किसी के हाथ में जल की सुराई है। मैं सोच में पड़ गया कि श्री वृंदावन की भूमि पर बैठ के ये तरुणी स्त्री, ये युवती रोती क्यों है। अवश्य ही ये दो वृद्ध पुरुष जो अचेत पड़े हैं इसके परिवार के कोई बड़े होंगे और ये अचेत हैं, इसी कारण से ये रोती है। लेकिन मुझे क्या करना, मैं तो यहां भजन करने आया हूं। हे सनत कुमारों, मैं मुख मोड़ करके चल दिया और जैसे ही मुख मोड़ करके चला उस तरुणी स्त्री ने मुझे देख लिया और हाथ उठा करके मुझे रुकने के लिए कहा। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे साधु क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाइए, मचिन्तामपि नाशय मेरी चिंता का नाश करके जाइए, आपके दर्शन मात्र से मेरे समस्त अग पापों का हरण हो गया है। नारद जी कहते हैं मेरे कानों में जैसे ये बात पहुंची मैं लौट करके चलता हुआ उस तरुणी स्त्री के सामने आके खड़ा हो गया। बगिया में बहार बसंत से आती है और जीवन में बहार संत से आती है। हरी कृपा जब होती है तब कोई संत चल करके हमारे द्वार पर आता है। हम संत के पास जाएं या संत हमारे पास चल करके आ जाए, दोनों ही स्थितियों में मंगल तो हमारा ही होना। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। ये हरि कृपा का प्रमाण है। श्री रामचरितमानस में दो बातें आई हैं, एक है हरि कृपा
और एक है हरि इच्छा। मन के अनुकूल जीवन में कुछ हो इसको हरि की कृपा मानना चाहिए, और मन के प्रतिकूल यदि जीवन में कुछ घटे तो इसको हरि की इच्छा समझना चाहिए। हरि कृपा और हरि इच्छा दो होती हैं। उस तरुण स्त्री ने रोते हुए कहा कि हे देवर्षि, आपके दर्शन मात्र से मेरे समस्त अग पापों का हरण हो गया है, लेकिन मेरी चिंता का नाश करिए। नारद जी ने कहा क्षमा करिए, आपने मुझे पहचाना, लेकिन हे देवी अब मैं आपको ना पहचान पाया, आप हैं कौन, अपना परिचय तो दीजिए। यूं इस प्रकार हाथ उठाकर के मुझे रोकने वाली कौन है आप? कहा आपने मुझे ना पहचाना, नारद जी मैं हूं भक्ति देवी। भक्ति तुम वृंदावन की भूमि पर बैठकर के रोती हो क्यों? भक्ति ने कहा हे नारद जी, मेरे रुदन का कारण है मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने जैसे ये बात सुनी पैरों के नीचे से भूमि सरक गई, क्योंकि जीवन में उन्होंने ऐसा पहले कभी ना देखा कि मां की अवस्था 18 वर्ष की हो और पुत्रों की अवस्था 80 वर्ष की हो। अहम भक्ति रितिख्याता इमो मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। हे देवर्षि, मेरी चिंता का कारण मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के पाखंड के कारण मेरे पुत्रों की ये दशा हो गई है, इसलिए मेरी चिंता का नाश करिए, मैं आपकी शरण में हूं। नारद जी ने कहा अब भक्ति आप कहां प्रकट हुई, कैसे पहुंची श्री वृंदावन, थोड़ा अपनी यात्रा के बारे में मुझे कुछ कहिए तो सही। कहा नारद जी मैं दक्षिण भारत में प्रकट हुई, भक्ति के पति भगवान और भक्ति के ही दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। दक्षिण भारत में प्रकट हुई, कर्नाटक पहुंची तो हमारा बड़ा सम्मान हुआ, महाराष्ट्र की भूमि पर आई तो कहीं कहीं वहां भी हमारा पूजन हुआ, लेकिन जब गुजरात की भूमि पर पहुंची तो पाखंड के कारण इस कलयुग के कारण मैं और मेरे दोनों पुत्र दुर्बल निस्तेज हो गए, वृद्ध हो गए, जर्जर हमारी अवस्था हो गई, सूखी काष्ठ के समान हमारे शरीर सूख गए, बगुले के बाल के समान हमारे केश सफेद हो गए। तब मैंने सोचा अरे पाखंड के कारण मेरी और मेरे पुत्रों की दशा, मैं अपना कष्ट तो सहन कर सकती हूं लेकिन अपने पुत्रों की ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, तो चलो मैं किसी ऐसे स्थान पर जाऊं जहां जाने से हमारा ये कष्ट दूर हो जाए। मैंने नेत्र बंद किया और मुझे श्री वृंदावन का स्मरण आया, मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर श्री वृंदावन में प्रवेश करके आई देवर्षि, लेकिन वृंदावन की रज पर पैर रखते ही मैं तो 80 वर्ष से 18 वर्ष की हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र अचेत होकर के यहां गिर पड़े। तब से बैठकर के मैं यहां पर रुदन करती हूं, रोती हूं, मेरे पुत्र इस स्थिति में तो मैं प्रसन्न कैसे रह सकती हूं? ऐसा क्यों हुआ नारद जी कि मुझे तरुणी अवस्था की प्राप्ति हुई लेकिन मेरे पुत्रों की यह दशा बनी रही श्री वृंदावन में? नारद जी ने कहा सुनो भक्ति देवी, श्री वृंदावन की भूमि तुम्हारी ही भूमि है, ये भक्ति भूमि है, और वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन भक्ति भूमि है, अपनी भूमि का स्पर्श आपने किया तो आप तरुण हो उठी, तरुणी अवस्था आपको मिल गई, लेकिन वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए आपके दोनों पुत्र अचेत होकर के गिर पड़े। कलयुग के पाखंड के कारण आपके पुत्रों की यह दशा है। भक्ति ने कहा अरे राजा परीक्षित,
तूने ऐसे कलयुग को धरती पर क्यों आने दिया जिसके आने के बाद मेरे पुत्रों की यह दशा हो गई। तू जिम्मेदार है ऐसे कलयुग को लाने के लिए। परीक्षित को दोष दिया। नारद जी ने कहा, नाना परीक्षित का क्या दोष, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्। अरे कलयुग का तो मित्र ही अधर्म है, ये तो स्वभाव है इसका, इसमें परीक्षित को क्या दोष देना। और जो युग होता है उसका जैसा स्वभाव होता है उस युग में परिस्थिति वैसी हो जाती है। 24 घंटे में ये चारों युग क्रमानुसार हमारे सामने घूमते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेके 8 बजे तक का समय सतयुग है। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय त्रेता युग है। 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का समय द्वापर युग है। और शाम को 4 बजे से लेके अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे तक का समय कलयुग है। ये चारों युग क्रम से 24 घंटे में हमारे सामने घूमते हैं। जिस युग का समय होगा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उस युग में जिस गुण की प्रधानता होगी हमारे मन में अपने आप उसी गुण के विचार आने लग जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे यदि स्नान करके बैठ जाए तो किसी को कहना ना पड़ेगा भजन कर लो, अपने आप मन में इच्छा होगी कि भगवान का भजन कर लें। जिस युग के समय है जिस गुण की प्रधानता है उसमें वही हमारे अंदर प्रबल हो जाता है। 4 बजे के बाद शाम को कली का प्रवेश है। ये गौधूली वेला जो इस समय ना पूरा दिन ना पूरी रात, सूर्य दुर्बल चंद्रमा भी दुर्बल, ना तो सूर्य पूरे गए और ना चंद्रमा पूरे आए, दोनों ही दुर्बल हैं इस समय। सूर्य माने ज्ञान, चंद्रमा माने मन। गौधूली वेला में हमारा ज्ञान भी क्षीण हो जाता है और हमारा मन भी अनियंत्रित होने लग जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि गौधूली वेला जब आए तो बैठ करके भगवान का नाम लेना, भजन करना, ज्ञान भी पुष्ट हो और मन भी भगवत चरणारविंद में लगे, भजन करना भैया। अंत में सार ये भजन ही रहेगा, भजनम नाम रसनम, भजन ही सार है। भजन शब्द का अर्थ ही होता है दोहराना, जिसको बार बार दोहराया जाए उसको भजन कहते हैं। भैया नारद जी कहते हैं परीक्षित का क्या दोष, परीक्षित ने तो कलयुग में एक गुण ही देखा कि यत फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अनेक जन्मों के तपस्या से समाधि से जो फल नहीं मिलता वही कलयुग में केवल श्री कृष्ण के नाम का भजन करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग की महिमा है, कलयुग में ये विशेष कृपा है हमारे ऊपर। कोई बहुत लंबी समाधि नहीं लगानी, कोई इंद्रियों का निग्रह नहीं करना, कोई उपवास आदि के बंधन में नहीं पड़ना, बस बैठ जाओ थोड़ा भजन कर लो मिल जाएगा वही फल, परमात्मा की प्राप्ति होगी। कलौ केशव कीर्तना, जिसके हृदय में केशव नहीं है वही शव है। भक्ति ने कहा, हे नारद जी आपने तो प्रहलाद के कष्ट को दूर किया, आपने ध्रुव के कष्ट को दूर किया, मेरे दोनों बच्चों ज्ञान और वैराग के कष्ट को भी आप दूर करिए। नारद जी ने कहा, अधैर्य रखो भक्ति, मैं अभी ज्ञान और वैराग के कष्ट को दूर करता हूं। इतना कहकर के नारद जी ने अचेत पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेद वेदांत का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, वेद वेदांत का जैसे ही पाठ किया दोनों को चेतना मिली, उठने का प्रयास करने लगे और फिर अचेत होकर गिर पड़े। नारद जी को आश्चर्य हुआ, ओ ज्ञान ओ वैराग्य उठो जगो,
फिर कान में वेद वेदांत का पाठ, दोनों उठ करके खड़े हुए, अब फिर अचेत होकर गिर पड़े। अब तो नारद जी को भी चिंता हो गई। नारद जी को चिंता हुई, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, उदास न होना, निराश न होना, हताश न होना, आपके द्वारा किया जा रहा उद्योग अवश्य सफल होगा। ज्ञान और वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए आपको एक सत्कर्म करना होगा और वो सत्कर्म किसी संत महात्मा साधु से आपको प्राप्त होगा। नारद जी सोच में पड़ गए, वो सत्कर्म क्या है? भक्ति को कहा, श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करना, मैं वचन देता हूं उस सत्कर्म को प्राप्त करके मैं संकल्प सहित करूंगा ज्ञान वैराग्य के निमित्त, इसलिए धैर्य धारण करना, मैं जाता हूं भक्ति देवी और मैं अपने संकल्प को पूरा करके रहूं। देवर्षि नारद ने वीणा और करताल ली, चल दिया। मार्ग में अनेकों संत उनको मिले, अनेकों साधु उनको मिले, लेकिन कोई भी उस सत्कर्म के बारे में देवर्षि नारद को ना बता पाया जिसका संकेत आकाशवाणी ने किया है। तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधु भूषण, वो सत्कर्म कोई ना बता पाया। अब तो समस्त त्रिलोकी में हाहाकार मच गया कि ज्ञान वैराग्य का कष्ट कैसे दूर होगा। उदास नारद जी बद्रीनाथ धाम में आ पहुंचे और तब सनत कुमारों से उनका मिलना हो गया। रोते हुए नारद जी ने कहा कि हे सनत कुमारों, मेरी चिंता का कारण है भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। क्या है वो सत्कर्म, मुझे अभी तक मिला नहीं, मैं तड़प रहा हूं, जानना चाहता हूं उसको। सनत कुमारों ने कहा, तो समझिए आपकी चिंता दूर हो गई नारद जी। क्यों? बोले, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की ओर संकेत किया है हम उसे जानने वाले हैं, और ये मार्ग अभी तक गुप्त रहा, लेकिन अब ज्ञान वैराग्य को निमित्त बना के यदि श्री कृष्ण इस गुप्त मार्ग को प्रकट करना चाहते हैं तो हम इस गुप्त मार्ग को प्रकट करेंगे। वो गुप्त मार्ग है, वो सत्कर्म है, श्रीमद भागवतालाप सतु गीत शुकादि भी, श्रीमद भागवत महापुराण की कथा। शुकदेव आदि महानुभावों ने जिसका अपने मुख से गान किया है वो श्रीमद भागवत की कथा ही ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर कर सकती है। भागवत ही भक्ति को संतुष्ट कर सकती है, भागवती भक्ति को प्रसन्न कर सकती है। नारद जी ने कहा, लेकिन भागवत तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका फल है, वेद वेदांत का मैंने पाठ किया, कोई लाभ ना हुआ, भागवत से क्या लाभ? कहा, नारद जी, यदि गन्ने में रस है तो उसका आस्वादन चीनी के रूप में किया जाता है। नारद जी, आम के वृक्ष में रस है तो उसका आस्वादन फल के रूप में किया जाता है, और जो प्रभाव फल का होगा वो वृक्ष की पत्ती और छाल का कभी नहीं होता, जो प्रभाव भागवत का होगा वो वेद वेदांत का भी नहीं हो सकता। यद्यपि वेद वेदांत में वही भागवत का रस है, लेकिन आस्वादन तो भागवत के रूप में किया जा सकता है। जो प्रभाव फल का है वो वृक्ष का नहीं होगा। दूध में मक्खन है तो मक्खन प्राप्त होने के बाद वो देवताओं को भी प्रिय लगने वाला होता है, इसलिए जो प्रभाव भागवत का होगा वो प्रभाव वेद वेदांत का भी नहीं होगा। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैंने इस बात को मान लिया सनत कुमारों, तो आप बताइए श्रीमद भागवत की कथा मैं किस स्थान पर कराऊं? नारद जी, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार के पास एक आनंद घाट है, आप वहीं पर श्रीमद भागवत की कथा को कराइए। नारद जी ने कहा, एक प्रार्थना मेरी और है, बताइए। बोले, आपने सत्कर्म भी मुझे बताया, सत्कर्म का स्थान भी मुझे बताया,
लेकिन आप चारों से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाला मुझे कोई त्रिलोकी में दूसरा मिलने वाला नहीं। इसलिए क्यों ना आप चारों ही व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा कहें। सनत कुमारों ने कहा, चलो अच्छा है, हमारा तो व्यसन ही भगवान का भजन है। हम तो ढूंढ ही रहे थे कोई कथा कराने वाला मिल जाए, मिल गया तो चलो कथा कहें। वृंदावन के बाहर लोग ढूंढते हैं कोई कथा कहने वाला मिल जाए, और वृंदावन में लोग ढूंढते हैं कि कोई कथा सुनने वाला मिल जाए, क्योंकि वृंदावन में जितने वक्ता हैं भैया, धरती में कहीं दूसरे मिलने वाले नहीं हैं। प्रत्येक घर में एक वक्ता तो कम से कम वृंदावन में है ही। तो वृंदावन में लोग ढूंढते हैं कि कोई कथा सुनने वाला मिले, बाहर लोग ढूंढते हैं कि कोई कथा करने वाला मिले। तो सनत कुमारों को लगा कि चलो अच्छा है, कोई कथा सुनने वाला तो मिला, हम कहेंगे श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी को लेके हरिद्वार के पास आनंद घाट पर आए। सिंह और मृग भी जहां एक साथ जलपान करते हैं, ऐसी महिमा इस आनंद घाट की है। नारद जी ने जल्दी जल्दी सुंदर व्यासपीठ बनाई और सनत कुमारों को उस पर विराजमान किया, पूजन कर दिया और संकल्प किया कि इस श्रीमद् भागवत की कथा का फल श्री वृंदावन में भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त हो। महाराज बैठ गए नारद जी। बड़े बड़े ऋषियों को सूचना मिली कि सनत कुमार श्रीमद् भागवत के मार्ग को अब प्रकट करने जा रहे हैं, तो कहीं हम वंचित ना रह जाएं, इसलिए सभी महात्मा दौड़ पड़े इस दिव्य स्थान की ओर, जहां सनत कुमार श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए तैयार हैं। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, कण्व, दुर्वासा, अत्रि, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ ऋषि, परशुराम जी आदि आदि सभी बड़े महात्मा दौड़ करके इस स्थान पर पहुंचे, और देखते ही देखते नारद जी के पीछे हजारों महात्माओं की भीड़ लग गई। सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत की महिमा को कहना प्रारंभ किया, उसी समय देवताओं की भीड़ आकाश में हुई और आकाश से फूल बरसना प्रारंभ हो गए। जय जयकार होने लगी, घंटे घड़ियाल बजने लगे। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सभी भागवत की जय जयकार करने लगे। जो कुछ रूठ गए कि हमारे पास निमंत्रण ना आया, हम क्यों जाएं कथा में, ऐसे भी कई थे उस समय, उनको भृगु ऋषि मना के लिए आए। कहा कोई बात नहीं, कार्ड नहीं पहुंचाओगे, बुरा नहीं मानना, चलो चलो। हाँ, ऐसे कौन थे? तीर्थराज प्रयाग, मैं तीर्थों का राजा है और बिना निमंत्रण पत्र के मैं कैसे कथा में चला जाऊं? तो उनको भृगु जी मना के लाए। महाराज सुमेरु पर्वत, उनको मना के लाए। जो जो बड़े थे, जो रूठ गए, उनको मना के लाए। और सब बैठ के श्रीमद् भागवत की महिमा को सुनने लगे। सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को कहा कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ही संगम है। देखो, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सेवन करना चाहिए, श्री हरि को हृदय में बैठाने वाली ये कथा है। श्रीमद् भागवत में नारद जी 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है इसमें। और तेनयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि, ये श्री हरि का वांगमय विग्रह है। श्रीमद् भागवत की महिमा कहने लगे। श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण से, इसके मनन से, नेत्रों के द्वारा इसका दर्शन करने से ये हमारे समस्त पापों का विनाश करने वाली होती है। दर्शनात् पाप नाशिनी,
पापों का नाश करने वाली ये भागवत की कथा। कथा हो रही है हरिद्वार के पास आनंद घाट पर, और जब भागवत के श्लोक कहे मंत्र बहने लगे तो ये मंत्र बहते हुए हरिद्वार से पहुंचे श्री वृंदावन में। भक्ति के सामने अचेत पड़े हैं ज्ञान और वैराग्य, और जैसे ही ज्ञान वैराग्य के कानों में भागवत के मंत्रों ने प्रवेश किया, सज्जनों इन दोनों के तो नेत्र खुले, दोनों उठकर के खड़े हुए। वृद्धावस्था से तरुण अवस्था दोनों को प्राप्त हुई, और जैसे ही तरुण अवस्था प्राप्त हुई भक्ति ने तो उठकर के नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। और भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के नृत्य करती हुई श्री वृंदावन से इस आनंद घाट की ओर चली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गान करने लगी। तो आइए हम भी इस दिव्य मंत्र का गान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करती हुई श्री वृंदावन से हरिद्वार के इस आनंद घाट पर प्रकट हुई, जहां पर नारद जी हजारों महात्माओं के साथ बैठे हुए। महाराज, भक्ति ज्ञान वैराग्य के संग नृत्य करती हुई इस दिव्य मंत्र का गान करती हुई आई, आकर के सनत कुमारों को प्रणाम किया, देवर्षि नारद को प्रणाम किया और कहा, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत सत्कर्म के द्वारा मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवान हुए हैं, ये प्रसन्न हैं तो मैं भी प्रसन्न हूं। गंगा आदि पवित्र नदियां जो स्त्रियों के रूप में मेरी दिन रात सेवा करती हैं, मैं यदि किसी नीच के घर में भी चली जाऊं तो भगवान मेरे वशीभूत होके उस नीच के घर में भी प्रवेश करके चले आते। भागवत ने भक्ति को प्रसन्न कर दिया, भागवत ने भक्ति को संतुष्ट कर दिया। नारद जी आदि सभी महात्माओं ने भागवत के प्रत्यक्ष प्रभाव को देखा, तब पूछा भक्ति ने सनत कुमारों को कि मैं कहां जाके रहूं अपने पुत्रों के साथ। सनत कुमारों ने कहा, प्रत्येक वैष्णव के हृदय में ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति आप प्रवेश करके वास करो। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के सहित प्रत्येक वैष्णव के हृदय में प्रवेश कर गई। सनत कुमार श्रीमद् भागवत की महिमा का गान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारों, कोई भगवान का भक्त भागवत सुन के मुक्त हो जाए आश्चर्य नहीं,
लेकिन क्या कोई पापी भी भागवत की कथा सुन के मुक्त हो सकता है? कहा नारद जी, ऐसा कोई पापी जिसने मन वाणी कर्म से 12 प्रकार के संपूर्ण पाप किए हों, यदि वो भी नियम से बैठ के भागवत की कथा को सुन ले तो श्रीमद् भागवत कथा उस पापी को भी पावन करने का सामर्थ्य रखती है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ये यज्ञ उसको भी पावन करने का सामर्थ्य रखता है। और नारद जी किसी पापी की क्या कहें, यदि कोई प्रेत भी नियम से सुन ले भागवत की कथा तो उसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने कहा कोई प्रेत भागवत की कथा से मुक्त हो जाए, समझ में ना आया कोई प्रमाण? बोले कथा कहते हैं, ध्यान से सुनना। तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तन उत्तमम यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। देखो नारद जी, बहुत समय पूर्व तुंग भद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर बसा हुआ था। इस उत्तम नगर में वास करने वाले सभी लोग अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण करने वाले थे। इसी उत्तम नगर में वास करते थे परम ज्ञानी ब्राह्मण आत्मदेव जी महाराज। पांडित्य कर्म को करने वाले हैं और भगवान में इनका विशेष विश्वास है। आत्मदेव जी धर्मानुकूल आचरण करने वाले हैं, अपने ज्ञान से दूसरे सूर्य नारायण के समान, इतना तेज है इनके मुख पर। द्वितीय इव भास कर, लेकिन आत्मदेव जी की जो पत्नी है ना, जिसका नाम है धुंधुली, ये आत्मदेव जी के विपरीत आचरण करने वाली है। शौराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, ये धुंधुली स्वभाव से कंजूस है, इसको कलह बहुत प्रिय है। भगवान में इसका कोई विश्वास नहीं, इसने तो एक ही बात समझी, खाओ पियो मौज करो जीवन पूरा। पति के सामने बनावटी आचरण करती है लेकिन भगवान में दो पैसे की श्रद्धा इसकी नहीं है। आत्मदेव जी के जीवन में सभी प्रकार की संपन्नता है, आत्मदेव जी के जीवन में सभी प्रकार का सुख है, एक ही कमी है। जीवन बीतता हुआ चला आ रहा है लेकिन आत्मदेव जी के अभी तक कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। अब आत्मदेव जी ने तो बहुत विचार किया नहीं, वे तो अपने भजन में ही लगे रहते हैं। इनके आंगन में एक तुलसी का पौधा है, सूखा ही रहता है सदा। घर में एक गाय है, बांझ है। अब आत्मदेव जी तो भजन में व्यस्त, अच्छे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। पड़ोसियों की आदत ये होती है कि वो अपने घर का कम ध्यान रखते हैं और पड़ोसी की बैलेंस शीट का ज्यादा ध्यान रखते हैं। बैलेंस शीट को तलपट बोलते हैं। तो जो अपने तलपट का ध्यान ना रखे पड़ोसी का रखे, ऐसे पड़ोसी बहुत आयात में होते हैं, लेकिन जो अपना ध्यान रखे ऐसे बहुत थोड़े होते हैं। अपने घर में क्या है इसका कोई खबर नहीं है, पड़ोसी के यहां क्या क्या कब होता है इसकी पूरी जानकारी है। अच्छे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। अब आत्मदेव जी के घर में भी एक दिन कुछ पड़ोसी आ गए। हाँ, आत्मदेव जी महाराज कितना भजन करते हैं आप, सदा आपको आनंद में ही देखते हैं। आत्मदेव जी ने कहा सब भगवान की कृपा है। एक प्रश्न है हमारे मन में, आपके आंगन में तुलसी का पौधा जब भी बाहर से निकलते हैं कभी देखते हैं हमेशा सूखा ही रहता है, ये तुलसी का पौधा सूखा क्यों है? आत्मदेव जी ने कहा मुझे तो खबर नहीं, मैं तो नित्य ही जल देता हूं अपने हाथों से, ये क्यों सूखा है मुझे पता नहीं। ओ हो, अब कहने में संकोच होता है, बुरा लग जाएगा आपको कहने, कहिए ना। बात यह आपके ही कोई पुत्र नहीं है, आपके कोई संतान नहीं है, तो तुलसी माता आपसे रुष्ट रहती है, इसलिए ये तुलसी का पौधा सूखा ही रहता है।
अब तो जैसे ये बात कानों में गई, आत्मदेव जी का ध्यान गया, सत्य ही है, मेरे तो कोई पुत्र नहीं, तो क्या मेरे कोई संतान नहीं, इसलिए तुलसी माता मुझसे रुष्ट हैं। पड़ोसी कह के चले गए और आत्मदेव जी के मन में वही बात आ गई। कुछ दिन बाद फिर कुछ पड़ोसियों का आना हुआ, आत्मदेव जी से मिलना हुआ। कहा, महाराज एक प्रश्न है, आपके घर में गाय है, हमेशा बांझी रहती है, ना इसके बछड़ा होता है ना बछिया होती है। अब कहा, सेवा तो सभी प्रकार से होती है, ये बांझ क्यों मुझे नहीं पता। अरे अब आपके ही कोई संतान नहीं है, पुत्र कहाँ है आपके, और जब आपके ही कोई पुत्र नहीं है तो गौ माता भी रुष्टि रहती है, बांझ है। एक दिन कुछ पड़ोसियों ने कहा, आत्मदेव जी ऐसा लगता है कि आपके कोई पुत्र नहीं, तो आप जो कुछ अपने पितरों को समर्पित करते हैं, पितर रोते हुए उसको स्वीकार करते हैं। बार बार वही एक बात, पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। और अब आत्मदेव जी के मन में यही बात रह गई, बिना पुत्र के मेरा जीवन कैसा, मैं ये जो अर्जित कर रहा हूं, ये कमा करके जो रख रहा हूं, इसको कौन भोगेगा, ये मेरे साथ जाएगा नहीं, किसके लिए कमा के रखता हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं। और विचार करते करते एक दिन आत्मदेव जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे। महाराज मन में निश्चय किया कि आज घर छोड़ के चला जाऊं, यदि पुत्र प्राप्ति का कोई आशीर्वाद मिले तो घर लौटूं, अन्यथा गौधूली वेला में तुंग भद्रा में कूद के अपने प्राणों को त्याग दूं। निकल गए घर के बाहर, तुंग भद्रा के किनारे शिला पर आके बैठ गए, रख लिया माथे पर हाथ, नेत्रों से बह रही अश्रुधारा, मन में एक ही चिंता, मेरे कोई पुत्र नहीं, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। उसी समय सामने से एक तेजस्वी महात्मा चलते हुए आए, वो किस किस को मददगार बना देता है, वो तिनके को भी पतवार बना देता है, एक एक ईंट गिराता हूं रोज मगर रात में कोई दीवार बना देता है। वो किस किस को मददगार बना देता है, तिनके को पतवार बना देता है। आ गए महात्मा जी, वलकल वस्त्र, कंधे पर एक झोला, सफेद केश, सफेद दाढ़ी। महाराज आत्मदेव जी को देख के महात्मा जी समझ गए कोई ब्राह्मण है, दुखी होकर रोता है। आत्मदेव जी के कंधे पर हाथ रखा और पूछा महात्मा जी ने, कथम रोदशी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, वदत्वम सत्वरम महियम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे विप्र, कथम रोदशी, क्यों रोते हो, ऐसा लगता है तुम्हारे मन में कोई चिंता है, तो वो चिंता हमको कहो। स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। आत्मदेव जी ने सिर उठा के देखा, महात्मा जी को खड़ा हुआ पाया, गिर गए चरणों में, रोने लगे। आत्मदेव जी को उठाया, महात्मा जी ने अपने गले से लगाया और कहा, क्यों रोते हो। कहा, महाराज मैं ब्राह्मण आत्मदेव इसी उत्तम नगर में वास करता हूं। आत्मदेव, ज्ञानी लगते हो चेहरे से, रोते क्यों हो अज्ञानियों के समान। कहा, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है। अपने मन की बात महात्मा जी को कही और ये बताया कि मैं संकल्प करके निकला हूं कि यदि पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा तो घर जाऊंगा, अन्यथा इस तुंगभद्रा में कूद के प्राणों को यहीं पर समाप्त कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा, ज्ञानी होके अज्ञानियों के समान क्यों बोलते हो, तेरे मस्तक की रेखाओं को मैंने आत्मदेव अभी अभी पढ़ा है, तू रो रहा है इस जन्म में तेरे कोई पुत्र नहीं, लेकिन मैं तुझे बता देना चाहता हूं कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नए वचा, सात जन्मों तक तेरे भाग्य में भगवान ने कोई पुत्र लिखा ही नहीं प्यारे, इसलिए जाओ और जाकर के श्री कृष्ण का भजन करो। कारे आप ठहरे बाबा जी, वही बात कहना बड़ा सरल है,
अपुत्रस्य गतिर नास्ति, बिना पुत्र वाले की सदगति कहाँ होती है। मैं गृहस्थ ब्राह्मण, आप बैरागी महात्मा, आपके लिए त्याग की बात कहना बहुत सरल है, लेकिन वो गृहस्थ जीवन भी क्या जब तक आंगन में पुत्र की किलकारियां सुनने को ना मिले। जो पिता को पुत्र नाम के नरक से तार दे उसको ही तो पुत्र कहते हैं। मेरे कोई पुत्र नहीं तो मेरा क्या होगा। का जो श्री कृष्ण का भजन करता है आत्मदेव, उसको तो स्वप्न में भी नरकों का दर्शन नहीं होता। बात की तो बात क्या, भजन से मोक्ष है, इसलिए जाओ भगवान का भजन करो। का मैं कुछ नहीं जानता महाराज, आपको भेजा है भगवान ने मेरे पास, अब आप ही मुझे पुत्र दीजिए। पुत्रम देही बलादपि, बलपूर्वक मेरे भाग्य की रेखाओं को पलट दीजिए और आज ही संकल्प करके मुझे एक पुत्र दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा भजन करो। कहा मैं नहीं जानता, मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने सोचा अच्छा पूछ लिया, इसको क्यों रोता है, है? इसने तो पकड़ ही लिया मुझे। बहुत अनुनय विनय किया और आत्मदेव ने फिर कह दिया कि यदि आपने मुझे आशीर्वाद ना दिया महाराज, तो आपके ही नाम का संकल्प करके तुंग भद्रा में कूद के प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा जी ने कहा मरना तुझे, मेरे नाम का संकल्प क्यों करता है भाई। का पुत्र दीजिए मुझे। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय माखन के समान है, पिघल गया और तुरंत अपने झोले से एक आम का फल निकाला। आत्मदेव जी के हाथों में महात्मा जी ने आम का फल रखा और कहा सुनो ब्राह्मण, ब्राह्मणी को ले जाकर के ये फल खिला देना और उसको कहना कि एक वर्ष तक अन्न का त्याग करके रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य जप करे, बारह माला रोज करे। एक वर्ष तक यदि इस नियम का पालन होगा तो श्री कृष्ण की कृपा से तुमको एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज महात्मा जी तो चले गए और आत्मदेव जी को लगा कि शरीर के बाहर निकले प्राण लौट के शरीर में आ गए। फल लेकर के घर पहुंचे, धुंधली को बुलाया, सारी बात कही और आम का फल उसके हाथ में दे दिया और कहा इस फल को पाना, गोविंद की कृपा से हमको भी एक पुत्र का मुख देखने के लिए मिलेगा। धुंधली ने कहा कैसी कृपा कर दी महात्मा जी ने, आपको मिल गए रास्ता में, फल ही दे दिया आपको, आप उठा भी लाए, ये तो बहुत बड़ी कृपा है, मैं इस फल को पालूंगी। हाँ आत्मदेव जी अगले दिन पांडित्य कर्म के लिए नगर के बाहर कई महीनों के लिए गए। धुंधली ने सोचा अरे मेरे पति कैसे बोले, रास्ता में कोई बाबा जी मिल गया, फल दे दिया, सो उठा के घर में ही ले आया, ये फल खाने से क्या होगा, और मेरी कोई श्रद्धा नहीं इस फल को खाने में, यदि खा लिया गर्भ में आ गया बालक, इस नगर को लूटने के लिए आ गए डाकू, कैसे भाग पाऊंगी, इसलिए फल नहीं खाऊंगी, घर में तो बहुत धन रखा है, चोर आ गए कैसे बचा पाऊंगी, और मेरी कोई रुचि नहीं कि मुझे पुत्र हो, मैं पुत्र का मुख देखूं, इसमें मेरी कोई श्रद्धा नहीं, लेकिन मेरे पति लौटेंगे पूछेंगे, मैं झूठ कहूंगी तो पकड़ा जाएगा, इसलिए कोई योजना तो बनानी ही पड़ेगी। और धुंधली ने एक योजना बनाई, अपनी गर्भवती बहन के पास आई और कहा कि तेरे पास पहले से कई पुत्र हैं, घर में रुपया पैसा नहीं है, तेरे धन का अभाव है, मेरे पास बहुत पड़ा है, कोई भोगने वाला ही नहीं है उसको, तो इस बार तेरे गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हो उसको मुझे देना, बदले में तेरे पति को मैं बहुत रुपया पैसा दूंगी, धन दे दूंगी, हाँ कम से कम गर्भ धारण करने की पीड़ा तो मुझे ना उठानी पड़ेगी। महाराज अपनी बहन से जाकर के ये बात कही। धुंधली की बहन निर्धन है इसलिए धन के लालच में इस बात को मान लिया और इसके गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ वो इसने धुंधली को लाके दिया, बदले में धुंधली ने अपनी बहन के पति को बहुत सा धन दिया, विदा कर दिया, अलमारी में रखा है वो आम का फल, रसाल है, फलों का राजा है,
नाम इसका आम है, आम आदमी को तो देखने के लिए भी नहीं मिलता। बंबई का होता है ना हापुस आम, जो केवल दूर से देखने को मिले और खाने को ना मिले, वो हापुस आम होता है। वो तो बाहर ही चला जाता है बहुत सा, यहाँ रहता ही नहीं है। तो महाराज धुंधली ने अलमारी खोली, आम का फल रखा। मेरे पति ने यदि कहीं देख लिया तो चोरी पकड़ी जाएगी, और फल की भी तो परीक्षा लेनी है कि महात्मा कुछ जानता भी है या नहीं। क्या करूं इस फल का? कहा चलो बांझ गाय को ये फल खिला देती हूं। आम के फल को लेके आई धुंधली और बांझ गाय को खिलाया इस फल की परीक्षा लेने के लिए। कई महीनों का समय बीता, आत्मदेव जी लौट के आए। धुंधली ने कहा मैंने फल को पाया, नियम आदि सब पालन किए तो हमें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। आत्मदेव जी के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू छलक आए। पुत्र को गोद में लिया, नाचने लगे। विचित्र स्थिति हो गई आत्मदेव की। महाराज चारों ओर सूचना फैल गई कि आत्मदेव को तो पुत्र की प्राप्ति हुई। आत्मदेव जी के भाग्य की सभी सराहना करने लगे। 10 दिन के बाद आत्मदेव जी ने अपने पुत्र के नामकरण संस्कार का आयोजन किया। ब्राह्मण आए, मन में विचार किया आत्मदेव जी ने कि मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव रखूं। हर पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा जीवन में मुझसे बहुत आगे जाए। हर गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य जीवन में कभी ना कभी दूसरे का गुरु बने। उत्सव मनाने लगे, नामकरण संस्कार, बहुत धन का व्यय किया और ब्राह्मणों से कहा कि इसका नाम परमात्मदेव रखना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा अति उत्तम नाम है आत्मदेव जी, हम तो यही सोच रहे थे, आपके मुख से वही बात निकली, प्रभु की कृपा है तो इसका नाम परमात्मदेव ही रखना चाहिए। ब्राह्मणों ने जब इस प्रकार की बात कही, धुंधली के कानों में आवाज पहुंची, सो अंदर से निकल के दौड़ती हुई आई। आके कहा नहीं 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 नहीं, अरे मेरा पुत्र है, मेरे गर्भ से इसने जन्म लिया है तो इसका नाम मेरे नाम पर होना चाहिए। अब ब्राह्मणों ने कहा हमको क्या लेना देना, अरे पूजा पूरी हुई, लिफा पढ़ लिया, हम 9-2-11 हुए, तेरे को जो नाम रखना है माता तू रख ले। हाँ कहा आप ही बता दीजिए क्या नाम रख दें। कहा मैं धुंधली, इसका नाम रखो धुंधकारी। कहा सर्वोत्तम सर्वोत्तम सर्वोत्तम, ऐसा नाम तो हमने जीवन में कभी सुना ही नहीं, महाराज रख दो यही इसका नाम। हाँ सो नाम रख दिया धुंधकारी। ब्राह्मण ने झटपट अपना पूजन निपटाया और वहां से वो चले गए, धुंधकारी नाम हो गया। आत्मदेव जी पुत्र जन्म के कारण इतने आसक्त हैं कि उन्होंने नाम पर बहुत कोई विचार न किया। 3 महीने के बाद आत्मदेव जी की गाय ने भी आम के फल के कारण एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखने में ये मनुष्याकार है लेकिन इसके कान गाय के समान है। तब आत्मदेव जी ने इस बालक का नाम रखा गोकर्ण, जिसके कान गाय के समान हो। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण नाम रखा। अब तो सब आत्मदेव जी के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। आत्मदेव जी के पुत्र हुआ, गाय के भी पुत्र हो गया। धीरे धीरे समय बीत रहा है, शौनकादि ऋषियों और दोनों बड़े हो रहे हैं। गोकर्ण जी आत्मदेव जी को पिता कहकर के पुकारते हैं। घर में धन संपत्ति अधिक होने के कारण धुंधकारी तो बिगड़ गया, कुसंग में पड़ गया, लेकिन गोकर्ण जी ने थोड़े ही समय में आत्मदेव जी से सभी शास्त्रों और पुराणों का अधिकार प्राप्त कर लिया। और ये दोनों जब युवान हुए तो खल बना धुंधकारी और पंडित बने गोकर्ण। महाराज दोनों के जीवन की दशा बिल्कुल उत्तर और दक्षिण। ये धुंधकारी पड़ोसियों को पीड़ित करने लगा। एक दिन इन पड़ोसियों ने आके श्री आत्मदेव जी को समझाया कि आपके पुत्र का ये कैसा आचरण।
एक एक करके जब धुंधकारी के बारे में कहना प्रारंभ किया तो आत्मदेव जी के तो नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे। अरे इस पुत्र ने तो मेरी कीर्ति को धूल में मिला दिया, ऐसे कुपुत्र से तो अच्छा था कि मेरे कोई पुत्र ही ना होता। रोने लगे। शौनकादि ऋषियों, उस दिन आत्मदेव रोए कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, आज वे इसलिए रो रहे हैं कि मेरे धुंधकारी जैसा पुत्र है। दोनों ही स्थितियों में उनको रोना पड़ा। चार प्रकार के पुत्र शास्त्रों ने बताए, ध्यान से सुनना, घड़ी देखोगे तो चूक जाओगे। चार प्रकार के पुत्र बताए। पहला है शत्रु पुत्र, दूसरा है ऋण पुत्र, तीसरा है उदासीन पुत्र और चौथा है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म का कोई शत्रु हमारे बैर भाव के कारण हमारे ही पुत्र के रूप में आ जाए और जिसके कारण जीवन में समाज में नीचा देखना पड़े, जिसके कारण जेल जाना पड़ जाए, जिसके कारण कीर्ति धूल में मिल जाए, तो समझना पूर्व जन्म का कोई शत्रु ही हिसाब किताब बराबर करने के लिए पुत्र बन करके आ गया है। उसको बोलते हैं शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म में किसी से ऋण लिया हो, उसका ऋण ना चुकाया हो, वही ऋण वसूलने के लिए पुत्र के रूप में आ जाए और घर की धन संपत्ति को ठिकाने लगा दे, तो समझना कि ऋण पुत्र का आगमन घर में हुआ है। पूर्व जन्म में इसका हिसाब किताब बकाया रह गया। तीसरा है उदासीन पुत्र। अब माता पिता की सेवा की, माता पिता के पास रहे और जैसे ही विवाह हो गया तो कहा कि आप दूसरा फ्लैट ले लो और हम दूसरे में जाके रह लेते हैं। ये होता है उदासीन पुत्र। और चौथा होता है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में किसी की बहुत सेवा की हो तो उसी सेवा के बदले वो हमारी सेवा करने के लिए आ जाए और जिसके कारण जीवन में यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति हो, समाज में पैर ऊंचा हो जाए, ऐसे पुत्र को सेवक पुत्र समझना चाहिए। चार प्रकार के पुत्र बताए। आत्मदेव जी को तो लगा कि मेरे घर में शत्रु पुत्र का आगमन हुआ है। महाराज पड़ोसी सब कह के चले गए, आत्मदेव जी तो रो रहे हैं। फिर सोचा कोई बात नहीं, मैं अपने पुत्र को आज समझाऊं, इसके जीवन में परिवर्तन आए। धुंधकारी की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि के 12 बजे माथे पर काली पट्टी बांध के लंबे जिसके केश, वो धुंधकारी नशे में धुत जुआ खेल के अपने घर में प्रवेश करके आया। समुद्र मंथन जब हुआ, ध्यान रखना, वहां से 14 चीजें निकली और उन 14 में लक्ष्मी जी भी निकली, उन 14 में वारुणी मदरा भी निकली, अप्सराएं भी वहीं से निकल करके आई। इसलिए जब लक्ष्मी की वृद्धि होती है तो मदिरा, स्त्रियां आदि सब ये उसके साथ ही लग करके आती, लक्ष्मी के साथ ही प्रकट हुई है, ये अलग से नहीं आ गई कहीं। और उस स्थिति में अपने को इनसे सुरक्षित रखना, लक्ष्मी का सदुपयोग भी रहे, सुमति भी बनी रहे, आचरण शुद्ध बना रहे, ये जब जीवन में हो तो समझना कि हां अब लक्ष्मी के संग नारायण हमको प्राप्त हो गए। नारायण का भजन करोगे, लक्ष्मी सदा रहेगी घर में। लक्ष्मी को पकड़ना चाहोगे तो नारायण पकड़ में ना आएंगे। समुद्र मंथन से ही निकले हैं ये सब लक्ष्मी के साथ। इसलिए जब पैसा बढ़ता जाता है तो ये चीजें भी आसपास मंडराने लग जाती हैं। फिर इनसे ही बचना है, सीधी सी बात। और जो ये चाहता हो कि हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो, क्या करना चाहिए? देखो कुछ उपाय हैं, एक आपको बता देता हूं। रोज कथा सुनोगे तो रोज एक उपाय बता दूंगा।
लक्ष्मी वृद्धि का उपाय क्या करें घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो जाए। देखो जो ये चाहता हो कि मेरे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो उसको प्रत्येक शुक्रवार को आंवला होता है ना, आंवला, आंवले का जो चूरा होता है उस चूरे को स्नान के जल में थोड़ा डाल के स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्नान करना। स्नान का जल बाल्टी में हो, थोड़ा सा चूरा डाला और लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके स्नान किया, घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लग जाए। अब भैया केवल शुक्रवार को करना है? लगा कि भाई शुक्रवार को करने से यदि इतना आता है रोज ही कर लें तो क्या जाता है, तो रोज करने से नहीं होगा कुछ, शुक्रवार को करना चाहिए। ये सबसे सरल उपाय, सारे आज नहीं बताऊंगा, नहीं फिर कल से कथा सुनने ना होगे, इसलिए रोज बताऊंगा। जो कथा सुनने आएगा उसको इन 7 दिनों में इतने उपाय मिल जाएंगे हर चीज के लिए कि फिर पूछना नहीं पड़ेगा इधर उधर, और जो कथा से चूक गया वो सारे उपायों से भी चूक जाएगा। और लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय किसी को मिल जाए तो कौन भला अपने पड़ोसी को बताता है, है? तो महाराज नशे में धुत धुंधकारी घर में आया, आत्मदेव ने कहा अरे बेटा धुंधकारी मेरी बात सुनो, इधर आ। कहिए बेटा मैंने आज पड़ोसियों से तेरे आचरण के बारे में सुना, ब्राह्मण पुत्र होकर के ये कैसा आचरण तुम्हारा, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो इससे मेरी कीर्ति धूल में मिल रही है, इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। कहा ओ पिताजी आपको पता है ये तीर्थ किस लिए बने? कहा बेटा किस लिए? बोले जब आप जैसी अवस्था हो जाए तो घर छोड़ के तीर्थ में जाके रहना चाहिए। ये तीर्थों में कमरे इसीलिए बनाए जाते हैं कि जब घर में सास बहू में झगड़ा होने लग जाए तो सासू माँ को तीर्थवास करने के लिए भेज दिया जाए, हम इसलिए चलो घर छोड़ के जाओ तीर्थ में जाके वास करो, हम जो करते हैं वो ठीक करते हैं, हमें समझाते वाले कौन हो? अपने पिता को ही कस करके फटकार लगा दी और अपने पुत्र के मुख से जब इस प्रकार की बातों को सुना आत्मदेव जी तो जोर जोर से रोने लगे। अपने पिता का अपमान करके हम जो करते हैं वो ठीक करते हैं, धुंधकारी वहां से चला गया, रो रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय आ पहुंचा। ज्ञानी गोकर्ण तुंगभद्रा में स्नान करके घर में आए, रोते हुए आत्मदेव को जब देखा तो कारण पूछा और जब उस कारण को आत्मदेव के मुख से सुना तो गोकर्ण जी ने गोकर्ण गीता का उपदेश किया आत्मदेव को और कहा पिताजी ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मैं मेरा का बंधन जो आपको लग गया है इससे मुक्त करिए अपने को। जिसे आप अपना पुत्र मान करके रो रहे हैं वो हड्डी मांस मज्जा का एक पिंड मात्र है, कुछ दिनों के लिए जिसका साथ है, एक दिन जिसको समाप्त हो जाना है, उसके लिए इस प्रकार से रोना? जैसे आंसू अपने पुत्र के लिए निकले क्या ऐसे आंसू कभी श्री कृष्ण के लिए निकले? क्या ऐसे आंसू कभी भगवान के वियोग में निकले? इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी ये ममता और अहंता के बंधन को छोड़िए, क्षण भंगुर जीवन है, दुर्लभ मनुष्य देह है, बार बार नहीं मिलती, पछताना ना पड़ जाए, इसलिए मैं यही कहूं घर छोड़ के वन में जाइए और श्री कृष्ण का भजन करिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। लोक धर्म का त्याग करिए, भगवत धर्म का सेवन करिए, वन में जाकर के साधु पुरुषों की सेवा करिए, श्रीमद् भागवत का आश्रय लीजिए और श्रीमद् भागवत अमृत का पान करते हुए श्री कृष्ण को प्राप्त करिए, ना दूसरों के गुणों को देखिए और ना दूसरों के दोषों को देखिए, पिताजी आप वन में जाके भजन करिए।
ये मनुष्य देह तो ऐसे ही चली जाती है, बाल अवस्था खेलने कूदने में निकल जाती है, युवा अवस्था जब आती है तो मन में अभिमान होता है, वृद्धावस्था आती है इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं बचता, शक्ति नहीं रहती, भजन कहां से हो। और ये दिन भजन के बिना बीतते हुए चले जा रहे हैं। तो आइए कबीरदास जी महाराज के पद में इसका दर्शन करें। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए thank you.
उपदेश किया अपने पिता को गोकर्ण जी ने कि आत्मदेव जी के मन में वैराग्य जागृत हुआ और उन्हें समझ में आया कि सार श्री कृष्ण का नाम है। गोकर्ण जी वहां से गए तब आत्मदेव जी घर छोड़कर के वन में चले आए। हे शौनकादि ऋषियों, श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात भागवत के दशम स्कंद का पाठ करके आत्मदेव जी ने अपने देह को त्यागा और श्री कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त कर लिया। गोकर्ण जी को जब ये सूचना मिली तो वे तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। घर के धन को जुए में जिसने ठिकाने लगा दिया वो धुंधकारी आज धन के लिए अपनी मां धुंधली को ही पीटने लगा और कहा, ला मुझे पैसा दे, मुझे जुआ खेलना है। धुंधली ने कहा, बेटा जो कुछ था तूने पहले ही बराबर किया, अब कहां से लाऊं पैसा। कहा, झूठ बोलती है, पैसा छिपा के रखती है और मुझको मना करती है। दौड़ करके गया, चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी उठा के ले आया। अपनी मां को इतना पीटा धुंधकारी ने कि धुंधली के मन में बहुत ग्लानि हुई। दौड़ के गई घर के आंगन में, कुआ लगा दी छलांग और अपनी देह लीला का देहावसान कर दिया। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, आत्मदेव भगवान के धाम, भाई तीर्थ यात्रा पर, मां भगवान के घर।
पांच वैश्याओं को ले आया घर में, रहने लगा उनके साथ। दुष्टा भार्या क्षठम मित्रम मृत्यश्चोत्तरदायक ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। यदि पत्नी का आचरण बिगड़ जाए, मित्र शठ हो जाए, सेवक मुंह के सामने उत्तर देने लग जाए घर में, और घर में सांप आकर के रहने लग जाए, तो मृत्यु में फिर कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। इसका अर्थ है कि मृत्यु निकट आ पहुंची है। मृत्यु रेव न संशय। महाराज, पत्नी का आचरण बिगड़े ये एक बात, लेकिन ये तो गणिकाओं के संग रह रहा है घर में, वैश्याओं के साथ, ये से काल के गाल में लेकर के निश्चित ही जाएंगी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही पांच गणिकाएं हैं जिनके संग ये वास कर रहा है। महाराज, गणिकाओं को धन चाहिए, सो धुंधकारी चोरी करने लगा। आज राजा के यहां चोरी की, बहुत धन इनको लाके दिया, और जब ये सुना गणिकाओं ने कि ये चोरी राजा के यहां की है, तो मन में उनके विचार आया कि राजा के सैनिक कभी ना कभी इसको पकड़ ही लेंगे, ये बच नहीं पाएगा। ये पकड़ा जाएगा, हम तो मुफ्त में ही मारी जाएंगे, हमारा क्या लेना देना इसकी चोरी से। अरे, हमें धन प्यारा है, धन ये कैसे लाता है, इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है, तो क्यों ना हम ही इसे मार करके धन लेके चंपत हो जाएं। हमको धन प्यारा, ये प्यारा थोड़ी। गणिकाओं ने एक योजना बना ली, और आज रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को पलंग के साथ बांध दिया, चूल्हे से जलते हुए अंगारों को लेकर के आई, इसके दोनों कानों में अंगारे भर दिए, और जैसे ही कानों में अंगारे भरे, ये चिल्लाने लगा, धोखा धोखा धोखा, इसकी नाक के दोनों छिद्रों में अंगारे भर दिए, फिर भी तड़पन होने लगी, तड़पने लगा, अभी प्राण शरीर में बने हुए हैं, और जब मुख खोल करके चिल्लाने लगा, तो ये गणिकाएं दौड़ती हुई गई और चूल्हे से बचे हुए समस्त अंगारों को लाई और इसके मुंह के अंदर भर दिए। तड़पते 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 धुंधकारी को मृत्यु की प्राप्ति हुई। गणिकाएं माल लेके चंपत हो गई, और ऐसी मृत्यु के कारण यही धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, प्रेत बन गया। अपना कोई इसका स्वरूप नहीं, वायु इसको उड़ा देती है, कभी इधर कभी उधर, जल देखता है पी नहीं सकता, भोजन को देखता है कर नहीं सकता, मोक्ष के लिए तड़पन होने लगी, तड़पने लगा। महाराज, तीर्थ यात्रा में गोकर्ण जी को सूचना मिली कि गणकाएं धुंधकारी को मार के धन लेके वहां से चली गईं। तब गया में आकर के श्राद्ध किया गोकर्ण जी ने धुंधकारी के मोक्ष के लिए। श्राद्ध करके, तीर्थ यात्रा को पूरा करके, आज कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी उत्तम नगर में अपने घर में पधारे। रात्रि को सोने के लिए तैयार हुए उसी समय ये प्रेत धुंधकारी अपने घर में आ पहुंचा। देखा तेजस्वी गोकर्ण को, अलग अलग रूप लेने लगा, राजा बन गया, फिर हाथी हो गया, फिर भैंसा बन गया, फिर भेड़ हो गया, फिर इंद्र हो गया, फिर अग्नि हो गया, वेश बदलने लगा। गोकर्ण समझ गए भटकती हुई आत्मा है, कमंडल से जल निकला, मंत्रोच्चारण किया, और जैसे ही जल को छिड़का, इस प्रेत धुंधकारी को बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो तुम, क्यों भटकते हो? कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तिनामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया, मैं आपका भाई प्रेत धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम? मैंने गया में तुम्हारे लिए श्राद्ध किया, तुम्हारा मोक्ष ना हुआ? कहा, भैया, गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। यदि 100 बार भी रोज चुन चुन करके मेरे लिए आप श्राद्ध करोगे, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता, इतने पाप मैंने अपने जीवन में किए, मोक्ष के लिए मैं तड़प रहा हूं, आप मेरे मोक्ष का कोई उपाय करिए।
गोकर्ण जी ने कहा चिंता ना करना, मैं भगवान सूर्य से तुम्हारे मोक्ष का उपाय पूछूंगा। ये धुंधकारी वहां से चला गया सज्जनों, और गोकर्ण जी ने अगले दिन भगवान श्री सूर्य नारायण से अपने भाई के मोक्ष का उपाय पूछा। तब भगवान सूर्य ने कहा हे गोकर्ण, श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अपने भाई धुंधकारी जो प्रेत योनि में है उसके मोक्ष के लिए तुम स्वयं व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत की कथा कहो। भागवत की कथा कराओ नहीं, सप्ताहम वाचनम कुरु, खुद कथा कहो। गोकर्ण ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। समस्त उत्तम नगर वासियों को साथ लिया और शुभ मुहूर्त में गोकर्ण जी सुंदर व्यासपीठ पर स्वयं बैठे श्रीमद् भागवत की कथा को कहने के लिए। संकल्प किया मेरा प्रेत भाई धुंधकारी जहां हो यहां चला आए और श्रीमद् भागवत की कथा सुने। संकल्प किया और प्रेत धुंधकारी वहां पर आ पहुंचा। अब कहां बैठे, हवा तोड़ा देती है, कभी इधर कभी उधर ले जाती। तब व्यासपीठ के पास में इसने एक सात गांठ का बांस देखा, उस बांस के अंदर चुपचाप आकर के बैठ गया। कम से कम हवा तो ना उड़ाएगी, सोचा यहीं बैठ करके भागवत की कथा सुनो। महाराज गोकर्ण जी भागवत की कथा कहने लगे। पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की पहली गांठ खुल गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, बांस की दूसरी गांठ भी खुल गई। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, बांस की तीसरी गांठ भी खुल गई। अरे वम सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। जैसे ही सात दिन में ये भागवत की कथा गोकर्ण जी के मुख से पूर्ण हुई, बांस की सातों गांठ खुल गईं और वही प्रेत धुंधकारी श्री कृष्ण के पार्षद का रूप लेकर के प्रकट हुआ। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण का ही रूप इसको मिल गया। मोर मुकुट, पीतांबर, वैजंती माला, नीलवर्ण, सुकोमल काया, और आकर के गोकर्ण जी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। गले में अब इसके तुलसी की माला पड़ी हुई है, महक रही है। कहा भैया धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा का भी विनाश कर सकती है। मैं प्रेत धुंधकारी आपका भाई अब श्री कृष्ण का पार्षद हुआ हूं, आपके चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। उसी समय मेरे गोविंद का दिव्य विमान आया, चार हाथ वाले तीन पार्षद उस विमान में विमान से उतरे। आप में से धुंधकारी कौन है? धुंधकारी ने कहा मैं हूं ना सब। बोले चलिए आपका मोक्ष हुआ है, आपको ले जाने आए हैं। धुंधकारी विमान में बैठा और विमान उड़ान भरने की तैयारी करने लगा, गर्जना होने लगी। तब पूछा गोकर्ण जी ने, अरे सुनिए रुकिए, कथा तो समस्त उत्तम नगर वासियों ने सुनी, फिर विमान केवल मेरे भाई धुंधकारी के लिए क्यों आया? पार्षदों ने कहा श्रवण भेद के कारण फल में भेद हो गया है। शरीर से तो कथा में सब बैठे, लेकिन कथा को सुनने के बाद उसका जैसा मनन और उसको धारण इस प्रेत धुंधकारी ने किया, ऐसा किसी दूसरे श्रोता ने ना किया। श्रवण भेद के कारण ही फल में भेद हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण असंख्य विमानों को लेकर के यहां स्वयं प्रकट हो आए इन सबको ले जाने के लिए, तो पुनः भागवत की कथा इनको सुनाइए। ये धुंधकारी के समान श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निदिध्यासन हो तो इनको भी श्री कृष्ण अपने धाम ले जाएंगे। धुंधकारी को मोक्ष मिला, श्री कृष्ण के पार्षद धुंधकारी को वहां से ले गए। और श्रावणे मासे गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः, श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर भागवत की कथा उत्तम नगर वासियों को सुनाई। महाराज अब तो सब सावधान होके बैठ गए, क्यों कहीं ऐसा नहीं हो कि पड़ोसी के लिए विमान आ जाए हम तो यहीं रह जाएं। तो बड़े ध्यान से सब कथा सुनने लगे। हाँ कहा देखो
ध्यान से सुनने दो, ऐसा नहीं हो कि पड़ोसी के लिए आवे हम रह जाए। हाँ ध्यान से, ध्यान से, सब एकदम ध्यान से सुनने लगे। महाराज 7 दिन में गोकर्ण जी ने भागवत की कथा कही और जैसे ही ये कथा पूरी हुई मेरे गोविंद असंख्य विमानों को लेकर के उस स्थान पर प्रकट होकर के आए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, अस कही श्रीपति कंठ लगा में दौड़ करके आए श्रीपति और गोकर्ण को अपने कंठ से लगा लिया और कहा धन्य हो गोकर्ण, स्वयं तो मुक्त हुए ही इन समस्त उत्तम नगर वासियों को तुमने मुक्त कर दिया, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। सबको अपने साथ विमानों में बैठाया और मेरे गोविंद इन सबको गोलोक धाम लेकर के गए। जैसे श्री राम समस्त अयोध्या वासियों को साकेत लेकर के गए, श्री कृष्ण इन सबको गोलोक धाम लेके गए। महाराज अब तो चारों ओर श्रीमद् भागवत की जय जयकार होने लगी। श्रीमद् भागवत महात्म में प्रेत धुंधकारी की ये जो कथा है, जब श्राद्ध पक्ष आता है तो अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रेत धुंधकारी की कथा का हिंदी पाठ प्रतिदिन अपने घर में करना चाहिए। पितर लोग जब इस कथा को कानों से सुनते हैं तो वे तृप्त हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सभी प्रकार का सुख वैभव मिलता है। तो पितृ पक्ष में ये प्रेत धुंधकारी की कथा का पाठ घर में पितरों के निमित्त करना चाहिए, पितृगण इससे तृप्त हो जाते हैं। महाराज सनत कुमार नारद जी आदि महात्माओं को श्रीमद् भागवत की महिमा सुना रहे हैं, महिमा कही फिर श्रीमद् भागवत की कथा भी कही और तब कहा कि अथ ते संप्रवक्षाम सप्ताह श्रवणे विधिम। अब आपको सप्ताह श्रवण विधि कहते हैं, सो ध्यान से सुनिएगा। हे नारद जी, यदि श्रीमद् भागवत की कथा करानी हो तो सबसे पहले सुंदर मुहूर्त देखना चाहिए, फिर विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। कन्या के विवाह से पहले जैसे पैसे की वित्त की व्यवस्था की जाती है, ऐसे ही भागवत सप्ताह कराने से पहले वित्त की ठीक व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे यज्ञ के बीच में कोई व्यवधान ना आवे। सकाम भाव से कथा के लिए सुंदर मुहूर्त का विचार होता है और 6 महीने सकाम कथा के लिए श्रेष्ठ माने गए। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने अति श्रेष्ठ माने गए। भैया यदि निष्काम भाव से श्रीमद् भागवत की कथा करानी हो, भैया हमें भागवत के बदले कुछ चाहिए नहीं, ना तो पुत्र चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना ये चाहिए, ना वो चाहिए, केवल राधा रानी और गोविंद की भक्ति मिले, हमारे प्रिया प्रियतम आनंद में हो और उनकी कृपा से हम आनंद में हो, यदि ऐसा भाव हो, निष्काम भाव से कथा हो, तो मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, कभी भी कथा कही जा सकती है और कभी भी कथा को सुना जा सकता है। अब ऐसे बहुत से स्थान है जहां मैं प्रतिवर्ष कथा करता हूं, ऐसे कई स्थान है जहां मुझे कथा करते हुए 6 साल 7 साल हो चुका है, जिन घरों में या जिन स्थानों पर मैं प्रतिवर्ष एक कथा करता हूं। तो अब बताओ कथा के बदले क्या चाहिए होगा? अरे कथा के बदले यही चाहिए कि ठाकुर जी हमारे घर में आनंद रखें, बस और क्या चाहिए। तो फिर क्या मुहूर्त का विचार? महाराज जी साल भर का कार्यक्रम देख लो, जो समय आपको खाली मिल जाए वो हमको दे देना, काम खत्म, मुहूर्त का कोई बंधन नहीं। लेकिन यदि सकाम भाव है, कथा के बदले ये चाहिए, संकल्प उस निमित्त हो रहा है, तो मुहूर्त का विचार किया जाता है। सकाम भागवत कथा होती है, निष्काम भागवत कथा होती है। महाराज श्रेष्ठ स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए, सुंदर व्यासपीठ को बनाना चाहिए, व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल संस्कृत ग्रंथ विराजमान होना चाहिए, व्यासपीठ के निकट तुलसी जी का पौधा हो, श्री सुखदेव जी महाराज शुक पक्षी के रूप में महाविराजमान हो,
जिस स्थान पर कथा हो वो स्थान बहुत उत्तम और शांतिप्रद होना चाहिए। महाराज कदली खंभ लगाने चाहिए, फिर विभिन्न पूजा वेदियों की स्थापना करनी चाहिए। और वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, पांच ब्राह्मणों का कम से कम वर्ण करना चाहिए। ये पांच ब्राह्मण श्रीमद् भागवत का संस्कृत मूल पाठ करें, गणेश जी के मंत्र का जप करें, द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें आदि आदि, पांच ब्राह्मणों का वर्ण करें। अब जैसे यहां कथा हो रही है तो आप देख रहे हैं कि हमारे वृंदावन के जितने भी विद्वान भूदेव हैं, ब्राह्मण हैं, वो संस्कृत मूल पाठ कर रहे हैं और बहुत से ब्राह्मण ऊपर बैठ करके दूसरे स्थान पर पाठ कर रहे हैं और जप कर रहे हैं। तो इस कथा में तो ये संख्या पांच के भी पार चली गई है, कम से कम पांच तो होने ही चाहिए, पांचवी पास होना चाहिए। तो वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, पांच ब्राह्मणों का वर्ण करिए, फिर श्रेष्ठ आचार्य के द्वारा पहले वेदियों का पूजन करना चाहिए। गणेश जी का पूजन हो, षोडश मातृकाओं का हो, नवग्रह का हो, पंचोंकार का हो, वरुण कलश का हो, रुद्र कलश का हो, चारों वेदों का हो, सनत कुमारों का हो आदि आदि, ये सब पूजन कर लेने चाहिए। और वो पूजन करके फिर बैठ करके श्रेष्ठ वक्ता के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, दृष्टांत देने में कुशल हो और अपनी बात को श्रोताओं के हृदय में रख दे, ऐसा विद्वान वक्ता होना चाहिए। कथा सुनने वाले श्रोता कैसे हों ये भी बताया। महाराज अनेकों बार कहा जा चुका है, फिर इसको एक बार कह दिया जाता है, तीन प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता कौन है? बोले भाई यदि 9:30 कथा का समय तो 9:15 पे आके अपना आसन ले लिया, पूरी कथा सुनी एक आसन पे बैठ के प्रेम से। जिसके पास मोबाइल फोन ना हो वो श्रोता है, जिसका मन इधर उधर ना लगे कथा में रहे वो श्रोता है, जिसके मन में सुपारी खाने की बीच बीच में इच्छा ना हो कथा में वो श्रोता है, जो बार बार घड़ी को ना देखे वो श्रोता है। तो भैया 9:15 पे आसन ले ले, कथा पूरी हो जाए, उसके बाद बहुत प्रेम से आरती करके प्रसाद लेके जाए, वो श्रोता है, पूरी कथा को सुने। दूसरे होते हैं सरोता। वो क्या होते हैं महाराज? वो भी बता दीजिए थोड़ा। सरोता होता है, सुपारी काटने वाला होता है ना, उसको सरोता बोलते हैं। मैं देखा है मैंने कि बड़े बड़े लोग मसन लगा के लेटे रहते हैं और उनके पास एक डिब्बा होता है, उसमें सब पान बनाने का सामान होता है, तो अपने हाथ से वो सुपारी को काटते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वो सरोता होता है। अब ऐसे जो लोग कथा में होते हैं वो क्या करते हैं? बोले वो तो कथा का खंड खंड करने आते हैं। कहा महाराज ये खंड खंड क्या होता है? का जो बैठ करके कथाओं में केवल तुलना ही करता रह जाए, ना उस कथा से कुछ ले पाए और ना इस कथा से कुछ ले पाए, वो सरोता है। अरे वहाँ कथा हुई थी तब तो ऐसा था, यहाँ कथा हो रही है तब ऐसा हो रहा है, और वहाँ तो व्यासपीठ के पास ये रखा था, यहाँ पर तो है नहीं। तो इस तरह से जो उधेड़ बुन में लगा रहे पूरी कथा में, तो भैया वो तो पक्का सरोता है। और जो तीसरा, वो पहले दोनों वालों से अच्छा है, उसका नाम है सोता। कहा महाराज ये क्या होता है, इसको भी जरा बता दें। हाँ कहा भैया सोता वो है जो कथा में आवे और आकर के खंभा ढूंढे और खंभा ना मिले तो सोफा सेट ढूंढ ले, और वो भी ना मिले तो कुर्सी मिल जाए। और भैया जहां देखा इसमें से कुछ लगाया आसन, पहले जयकारे पर लगी समाधि, नेत्र बंद हुए, और आखिरी जयकारे पर जाकर के आंख खुली और फिर मुख से निकला कथा तो बहुत सोनी बातची महाराज के बताए।
वो समझना क्या, पक्का सोता आ गया बगल में। कथा बहुत सोनी बाजी। पैसो मारो परमेश्वर छे, पत्नी मारी गुरु, छोकरा मारा शालिग्राम, पूजा को नहीं करूं। तो भाई सोता लग गई समाधि। और फिर पूछा, अच्छा महाराज कथा कैसी रही? बहुत सुंदर कथा हो रही है, बहुत सुंदर हो रही है कथा। अच्छा महाराज जरा कुछ बताइए ना, आप कथा में से आ रहे हैं, क्या बताया, कुछ मतलब की बात मिल जाए आपसे। कहा वो अपन को नहीं पता, पर कथा बहुत अच्छी हो रही है। वो सोता, माने जो सोते सोते पड़ोसी पे गिर जाए वो सोता। तीन प्रकार के श्रोता, श्रोता, सरोता और सोता। अब आपके पड़ोस में कौन सा बैठा है इसका निर्णय आप खुद कर लेना, वो हम नहीं कहेंगे। तो हमारा तीन प्रकार के, फिर नियम भी बताए कुछ। देखो व्यासपीठ से ऊपर बैठ के कथा ना सुनना, व्यासपीठ की ओर पैर फैला करके भी कथा ना सुनना, व्यासपीठ के ठीक पीछे बैठ करके भी कथा ना सुनना। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो महाराज श्रीमद् भागवत कथा के बीच में जो उत्सव आए उनको बहुत प्रेम और धूमधाम से मनाना चाहिए। वामन जन्मोत्सव है, श्री राम जन्मोत्सव है, श्री कृष्ण जन्म नंदोत्सव है, श्री अन्नकूट उत्सव है, श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह उत्सव है, इन सबको बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए और बड़े प्रेम से कृष्ण कथामृत का पान करना चाहिए। फिर सनत कुमारों ने कहा कि यदि संभव हो तो वक्ता और श्रोता को 7 दिनों तक केवल घी का पान करके कथा कहनी और सुननी चाहिए। ये नियम है, घी पियो, गरम करो, पिसी हुई काली मिर्च डालो, पी जाओ, वक्ता कथा कहे और श्रोता कथा सुने। कहा महाराज बांध के दे दो घर ले जाएंगे, पर पीना कठिन काम। अरे 7 दिन तक घी पी के कौन कथा कहेगा, कौन रहेगा? नारद जी ने कहा हो गई कथा पूरी, मैं तो चला यहां से। सुवीणा उठा ली अपनी, कहा नहीं नहीं अरे अरे नारद जी बैठिए बैठिए, कहां जाते हैं? कहा महाराज कैसे कलयुग में संभव होगा, आप क्या कह रहे हैं? कहा नहीं नहीं यदि कोई ये ना कर सके, एक समय फलार करे, एक समय कच्चा प्रसाद ले ले। कहा यदि इससे भी मन ना लगे तो कहा 2 समय भोजन कर ले। कहा इससे भी कुछ कमी लगे, बोले 3 समय कर ले। कहा इससे भी कुछ अधूरा लगे, बोले 4 समय कर ले। कहा इसमें भी यदि मन ना माने, बोले 5 समय कर ले। बोले इसमें भी यदि मन ना माने तो बोले हमेशा करता रहे, कोई ना थोड़ी। देखो ये सारे नियम कहे, फिर एक बड़ी सुंदर बात कही, का प्रधानता श्रवण की है, आवरण की प्रधानता नहीं है। नियम बताए सनत कुमारों ने, फिर ये कहा कि इन नियमों का पालन करके कथा सुनी जाए, ये अति श्रेष्ठ बात है। लेकिन यदि किसी भी नियम के पालन से यदि शरीर अस्वस्थ हो जाए और कथा छूट जाए तो नियम का विचार नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई नीचे बैठ के कथा नहीं सुन सकता तो क्या कथा को छोड़ दें? कहा नहीं, ऊपर ही बैठ के कथा सुननी चाहिए, लेकिन कथा को छोड़ना नहीं चाहिए। ये तक काम आत्माओं ने कि यदि लेटे लेटे भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो इस मंगलमयी कथा को छोड़ना नहीं चाहिए, इस कथा का पान करना चाहिए। ऐसी दिव्य ये कथा। महाराज पूरी विधि बताई और जैसे ये विधि बताई सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत की कथा को पूर्णाहुति दी तो उनके सामने श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होके आए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत की महिमा का उपदेश सुखदेव जी ने किया। इसके बाद श्री प्रहलाद जी प्रकट होके आए, दैत्यराज बलि आए, उद्धव जी वहां प्रकट होकर के आए, इंद्र आ गए, अर्जुन भी वहां पर प्रकट होके आए और इन सब के बाद मेरे गोविंद स्वयं उस आनंद घाट के ऊपर प्रकट होके आए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण का मां अवतार हुआ और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने आकर के सनत कुमारों से कहा कि आपने भागवत की कथा कही, मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मांगिए क्या वरदान दूं।
सनत कुमारों ने कहा यही वरदान दीजिए कि आज से आगे जहां भी भागवत की कथा हो 7 दिनों तक उस स्थान पर आपका वास हो। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया, ये वरदान दे दिया। और फिर श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद इनके सभी भक्त जो वहां हैं वो मिलकर के मेरे गोविंद के ही नाम का संकीर्तन करने लगे। महाराज भगवान इस संकीर्तन को पूर्ण होने के बाद सबको भक्ति का आशीर्वाद दे के वहां से अंतर्धान हुए। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, सनत कुमारों के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुन के वहां बैठे हुए सभी महात्माओं को लगा कि हमारा मोह नष्ट हो गया। जैसे अर्जुन ने गीता का उपदेश सुना तो कहा नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, ऐसे ही सभी महात्माओं ने कहा कि अत प्रहर्ष्टा परिनष्ट मोह, हम सब का मोह नष्ट हो गया, आनंद की प्राप्ति हमें हुई। महाराज परीक्षित इस बात के साक्षी हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा नियम से 7 दिन सुनने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो अवगाहन करता है वो संसार में अन्यत्र कहीं भटक नहीं सकता, ऐसी महिमा श्रीमद् भागवत की। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग में लगभग 30 वर्ष के बाद भाद्रपद शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा कही। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद आषाढ़ शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यही कथा उत्तम नगरवासियों को कही। इसके लगभग 30 वर्ष के बाद कार्तिक शुक्ला नवमी को सनत कुमारों ने यही कथा नारद जी आदि महात्माओं को कही। ऐसा इन 3 कथाओं का क्रम है। तो जो भी श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष कृपा उसे प्राप्त होती है। और भुवनैकमप्यसाध्यम, जो नियम पूर्वक भक्ति भाव से भागवत का श्रवण करता है उसके लिए इस त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। जो श्रीमद् भागवत का 7 दिनों तक एक स्थान पर बैठ के श्रवण करता है वही जीवन में यथार्थ फल को प्राप्त करता है। तो कुछ भी असाध्य भागवत के आश्रय के बाद नहीं रहता, ऐसी इसकी महिमा है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत महात्म कथा कह के वाणी को विराम दिया। तो आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जा रहा है। कल फिर प्रातःकाल 9:30 बजे से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर हम प्रवेश करेंगे। और कल की कथाएँ बड़ी सुंदर हैं। हम लोग श्रीमद् भागवत मंगलाचरण का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा में जाएंगे, पश्चात हम लोग परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनेंगे जिसके अंतर्गत कुंती स्तुति भीष्म स्तुति का हम यहाँ श्रवण करेंगे। फिर कल सायंकालीन कथा में विराम जहाँ होगा हम लोग श्री विदुर और विदुरानी का चरित्र यहाँ सुनेंगे और इस दिव्य लीला का कल यहाँ दर्शन करेंगे। तो कल की कथा वहाँ जा कर के विराम होगी, आज की कथा को हम यहीं पर विराम कर रहे हैं। तो आइए एक बार प्रेम से भगवान नाम का आश्रय हम लोग मिलकर के लें। ठाकुर हमारे आनंद बिहारी, हम हैं आनंद बिहारी के। ठाकुर हमारे आनंद बिहारी, हम हैं आनंद बिहारी के। ठाकुर हमारे आनंद बिहारी, हम हैं आनंद बिहारी के। ठाकुर हमारे आनंद बिहारी, हम हैं आनंद बिहारी के। आनंद बिहारी के भला
हो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके आनंद बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नीम करौली भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। अभी आप सब लोग बैठे रहें, कोई सूचना आपको दी जा रही है। पहले आरती करवा दीजिए, सुन लें। पहले आरती करवा लीजिए, बाद में सूचना दी जाएगी, क्योंकि आरती स्टार्ट हो। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ के वहीं से मानसिक आरती करें। नहीं, सभी लेडीज वह जेंट्स नीचे आरती आ रही है, आप लोग आरती कर सकते हैं। लेकिन आरती के पश्चात आप लोग 5 मिनट यहाँ रुकेंगे, जो हमारे यहाँ पर जो सगे संबंधी आए हुए हैं, हम उनका व्यासपीठ द्वारा सम्मान करेंगे। आप सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि आरती के पश्चात आप सभी यहाँ रुकेंगे। पहले लेडीज आ जाए, एक साथ में जेंट्स आ जाए, आरती स्टार्ट करवाइए। तीनों यजमान परिवार, श्री बालकिशन जी अग्रवाल, श्री सुशील जी अग्रवाल, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल परिवार, कृपया ऊपर आकर आरती करें। श्री राधे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम कोर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम को मनाऊं, जीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट
तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंशी मेरो मन मोह है, प्यारी बंशी मेरो मन मोह है, देख जबे बलिहारी में जा, देख जबे बलिहारी में जा, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हैं, व्यास दास के नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं, देख जबे बलिहारी मैं जाऊं, देख जबे बलिहारी मैं जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल जबे पे बलिहारी मैं जाऊं, युगल जबे पे बलिहारी मैं जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बजरंग लाल जी बरोलिया, श्री महेश जी संगई, श्री विनोद जी सराफ, श्री कौशल किशोर जी अग्रवाल, श्री हेमंत जी डरोलिया, श्री भरत जी, श्री आनंद जी लाल जी गुप्ता, श्री सत्यनारायण जी भीमराज का, श्री निरंजन लाल जी बजाज, श्री मानक चंद जी रुइया, श्री गोपाल जी केड़िया, श्री पुरुषोत्तम जी तोदी, श्री अशोक जी अग्रवाल, श्री संतोष जी अग्रवाल, श्री अशोक जी जवार, श्री मोदी रमेश चंद्र जी मोदी, श्री राजकुमार जी सराफ, श्री राजकुमार जी गोयल, श्री गोपीराम जी बेड़िया व श्री रामेश्वर दास जी केजरीवाल, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप व्यासपीठ पर माला लेकर आएं। श्री कैलाश जी मुरारका, आप सभी व्यासपीठ पर आमंत्रित हैं, आप कृपया माला लेकर आएँ और भागवत भगवान को माला अर्पण कर व्यास जी द्वारा आशीर्वचन ले, प्रसाद ले। मुख्य यजमान परिवार श्रीमती श्री अशोक जी भरतिया, आप भी आमंत्रित हैं, कृपया व्यासपीठ पर पधारें व व्यास जी से आशीर्वचन लें। मुख्य यजमान श्रीमती भगवती देवी अग्रवाल परिवार आए हुए सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करता है। उनके सुपुत्र श्री बाल किशन जी अग्रवाल, श्री सुशील जी अग्रवाल, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, सह परिवार, हमारे सगे संबंधी जो अपने व्यस्त काम से समय निकालकर यहां आए हैं, अग्रवाल परिवार उनका हार्दिक स्वागत करता है। कथा का समय सुबह 9:30 से 12:30, शाम को 3:30 से 6:30 का रखा गया है, लेकिन व्यास पीठ पर विराजमान हमारे श्री अनुराग कश्यप जी पाठक 1-1.5 घंटा कथा
ज्यादा ही रसपान कराते हैं, इसलिए आप बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको इतना बड़ा मौका मिल रहा है। कृपया आप आराम से यहाँ आकर